फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। आज हम शुरू करते हैं हरियाणा की मंडी से आज का ताज़ा सरसों का एवं कुछ अनाज मंडी का भाव। इलाहाबाद मंडी की बात करें तो इलाहाबाद मंडी में सरसों का जो अधिकतम भाव रहा है 7,350 रुपये क्विंटल, तो वहीं चना का जो भाव रहा है 4,650 रुपये क्विंटल। सिरसा अनाज मंडी की बात करें तो सिरसा अनाज मंडी में आज नरमी का जो भाव रहा है 9,157 रुपये क्विंटल। इन दिनों जैसा कि नरमा का अच्छा खासा भाव देखा जा रहा है। फतेहाबाद अनाज मंडी में आज दोस्तों नरमा का न्यूनतम मूल्य रहा 8,000, अधिकतम मूल्य रहा है 9,191 रुपये क्विंटल। नोहर अनाज मंडी की बात करें तो नोहर अनाज मंडी में सरसों का जो भाव रहा है 7,450 रुपये क्विंटल। गोलू वाला अनाज मंडी में सरसों का आज का भाव रहा है 7,400 रुपये क्विंटल। रायसिंह नगर अनाज मंडी में आज दोस्तों सरसों का भाव रहा है 7,200 रुपये क्विंटल से 7,551 रुपये क्विंटल तक। बीकानेर अनाज मंडी में आज दोस्तों जो गेहूं का रेट रहा है 1930 रुपये क्विंटल से 2,022 रुपये क्विंटल। सादुलपुर चूरू अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ पे आज दोस्तों सबसे पहले ग्वार का जो मील का भाव रहा है 6,600 रुपये क्विंटल। अलवर अनाज मंडी की बात करें तो सरसों का रेट रहा है 7,200 रुपये क्विंटल से 8,000 रुपये क्विंटल तक। घरसाना अनाज मंडी की बात करें तो घरसाना में सरसों का भाव रहा है 7,100 रुपये क्विंटल से 7,950 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश का कुछ अनाज मंडी का भाव हम लोग जानते हैं। अशोक नगर में आज दोस्तों चना का भाव रहा है 47 रुपये क्विंटल से 49 रुपये क्विंटल। अभी दोस्तों कुल मिला के सरसों का भाव एक एवरेज चल रहा है, इससे ज़्यादा अभी नरमा का रेट सभी मंडी में बरकरार है। अगर आपके पास नरमा है तो आप लुत्फ़ उठाएँ, फ़ायदा उठाएँ। और सरसों अगर नहीं है तो सरसों अगर आप बेच दिए तो ज़्यादा सरसों को पैदा करने की कोशिश करें ताकि आपको हर एक वर्ष एक मोटी कमाई सरसों दे के जाए, क्योंकि सरसों कमाई का एक बढ़िया स्रोत माना जाता है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।